हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में आपका चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए, हम आज के लेक्चर में और उसके बाद जो लेक्चर आएंगे उनमें हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं वो यहां लिखे हुए हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिर मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मापा जाए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, ये टॉपिक्स इस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में। तो इन टॉपिक्स को हम आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इससे पीछे जो कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या है? मापना। मेजरमेंट का मतलब मापना। देखो, मेजरमेंट के बारे में सबने सुना होगा कि हम डेली लाइफ के अंदर मेजरमेंट के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने भी छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा, आपको कहा जाए ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन ड्रॉ करो। तो आप कैसे करते हो, एक स्केल लेते हो, स्केल से 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचते हो, ऐसे ही अपने को पता लगता है ये 5 सेंटीमीटर की है। बिना इसके तो नहीं पता लगेगा ना कि लाइन की लंबाई कितनी है। जब तक हम कोई स्केल लेके उसकी लंबाई मापेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो मापना मतलब मेजरमेंट करना, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो ये मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट में प्रक्रिया में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ये आप 9th क्लास में, 7th क्लास के अंदर भी मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता था। इसको फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मेजरमेंट कैसे होती है। देखो, मेजरमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब ये तुलना करने का एक प्रोसेस है, कंपेयर करने का एक प्रोसेस है। अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी, मतलब ये कंपैरिजन करनी है एक अननोन क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी की तुलना करनी है जिसको हमें, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कितनी है, और उसकी तुलना किसके साथ करेंगे? एक ऐसी क्वांटिटी के साथ करेंगे जिसकी बारे में हमें पता है कि ये लंबाई कितनी है। मतलब एक तरफ वो चीज है जिसको बारे में हमें नहीं पता कि ये क्वांटिटी कितनी है, अननोन क्वांटिटी, और दूसरी तरफ वो चीज है जिसके बारे में हमें पता है, मतलब ये चीज कितनी है इसके बारे में हमें अंदाजा है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लीजिए, आप मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हो, जैसे मान लीजिए आपने दुकानदार को बोला 1 किलोग्राम चीनी तोल दो, तो दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम चीनी तोलने के लिए वो चीनी लेता है, लिफाफे में डालता है, उसको भी नहीं पता ये कितनी है, फिर तराजू पे रखता है, तराजू के 2 बैलेंस हैं, दो पलड़े उसके होते हैं, एक तरफ वो चीनी को रख देता है, अब क्या करता है, दूसरी तरफ एक क्या डालता है, दूसरी तरफ वो क्या रखता है, उसको क्या कहते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर, उसको बाट बोलते हैं, बाट, या मान लो वो क्या है, वेट, वेट होता है वैसे, वो क्या करता है दूसरी तरफ एक वजन रखता है, मान लो उसने रखा 2 किलो का, आपको 1 किलो रखनी लेनी थी, उसने 2 किलो का रखा, तो 2 किलो रखते ही चीनी ऊंची हो जाएगी क्योंकि चीनी तो कम थी। अब वो क्या करता है, 1 किलो का रखता है, 2 किलो वाला निकाल के 1 किलो, क्योंकि उसे 1 किलो तोलनी है। तो 1 किलो तोलने के बाद अगर चीनी कम है तो चीनी और डाल देगा ताकि वो दोनों पलड़ों को बराबर ले आए। जब दोनों पलड़े बराबर हो गए तो समझ लो ये चीनी 1 किलोग्राम है, क्योंकि इस तरफ हमने कितना वजन रखा है, 1 किलोग्राम, सबको पता है ना, ऐसे कंपैरिजन करते हैं, सबको पता होगा। तो बच्चों, अब आपने देखा कि क्या है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब एक अननोन क्वांटिटी, जैसे उसने चीनी ली थी वो तो पता नहीं था कितनी है, उसकी तुलना करनी है नॉन क्वांटिटी, वो जो वजन उसने रखा 1 किलोग्राम का, तो अननोन क्वांटिटी चीनी की नॉन क्वांटिटी उस 1 किलोग्राम वजन के साथ तुलना करनी है, और तुलना करके इन दोनों में जो अंतर है वो कम से कम करना है।
मिनिमाइजिंग द डिफरेंस, दोनों के बीच में अंतर को कम से कम करना है, इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लंबाई आपको मापनी है, यू आर टू मेजर लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक स्केल लिया, स्केल को इसके बराबर रखा। स्केल पे जो लंबाई है वो हमें पता है, ये एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, ये लंबाई हमें पता है। मतलब स्केल पे जो लंबाई है वो तो होगी नोन, हमें पता है, और रेक्टेंगल की लंबाई ये है अननोन, हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, नोन लंबाई को हमने कंपेयर करना चाहा अननोन के साथ, तो पता लगा इसकी जो लेंथ है ना वो तीन सेंटीमीटर तक आ रही है, तीन सेंटीमीटर के सामने। तो अपने को पता लग गया, देखो अननोन को नोन के साथ कंपेयर किया। तो ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा कंपैरिजन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी आप कर चुके हो, जस्ट एक रिवीजन थी आपके लिए हो गई। अब देखते हैं कि यूनिट कैसी हो, जो आपने स्टैंडर्ड यूज किया है उसकी कोई खास बात है क्या, कोई स्टैंडर्ड खास बात उसकी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड आप उपयोग करने वाले हो, जो स्टैंडर्ड या जो यूनिट आप यूज करने वाले हो उसके लिए ये खास बात है, चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड, चाहे तो मान लीजिए ये स्केल या फिर जो आपने वजन नोट किया था, वजन लिया था 1 किलोग्राम, वो जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है शुड असेंशियली हैव द सेम नेचर एज दैट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर। जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है ना वो उसी के नेचर का होना चाहिए। जैसे हमें वजन, चीनी का वजन मेजर करना है, चीनी का वजन 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो हमें जो स्टैंडर्ड यूज करना है ये भी वजन वाली चीज ही होनी चाहिए, मास वाली, ताकि उसकी तुलना की जा सके। ऐसा तो कभी नहीं करेंगे ना, हमें तो चीनी तोलनी है और चीनी तोलने के लिए हमने इसका यूज कर लिया, मीटर वाले पैमाने का यूज कर लिया, मेजरिंग टेप का यूज करके कभी चीनी का वजन नोट किया जा सकता है? नहीं करते। तो मेजरिंग टेप का यूज कब किया जाएगा, जब लंबाई मापनी हो। वजन का यूज कब किया जाएगा, जब वजन मापना हो। तो कहने का मतलब है जो चीज मापनी हो उसके जैसा ही स्टैंडर्ड आपको उपयोग में लाना होगा। अब ठीक है, ये बात हो गई। जो स्टैंडर्ड आप चूज करते हो, द चोजन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड आपने यूज किया उस स्टैंडर्ड को यूनिट ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, उस क्वांटिटी की यूनिट कहा जाता है। जैसे आपने जो स्टैंडर्ड यूज किया वो सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर को कहेंगे यूनिट, मतलब लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर। ऐसे आपने वजन तोला और वजन तोल के आपने वजन लिख दिया 5 किलोग्राम, तो ये जो किलोग्राम है ना इस किलोग्राम को बोलेंगे यूनिट, इसको यूनिट कहा जाता है। और ये जो है 5, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कितने किलोग्राम चीनी है, 5 किलोग्राम चीनी है। कितने सेंटीमीटर लेंथ है, कितने सेंटीमीटर लेंथ है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है। इस प्रकार से जैसे आप कोई और चीज मेजर करनी है, जैसे एरिया मेजर करना है, एरिया मेजर करना हो तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो वो जो 10 होता है उसको तो यूनिट कहते हैं, और जो सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब ये देखिए, मेजरिंग मेजरमेंट करने के बाद रिजल्ट को किस रूप में लिखा जाता है, मेजरमेंट करने के बाद रिजल्ट को इस रूप में लिखा जाएगा, Q=nu। Q का मतलब है जो क्वांटिटी हमने मेजर की उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, इसको Q कहा गया है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई उसको छोटा n कहा गया है, स्मॉल n, और जो यूनिट आपने ली इसको स्मॉल u कहा गया है। तो Q इज इक्वल टू n इंटू u, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो तो हो गई यूनिट, 3 जो है वो आपके पास होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो L इज इक्वल टू ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर होगी यूनिट, तो यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपने पास। बच्चों जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सेंटीमीटर में मेजर करोगे, आप 3 सेंटीमीटर लेंथ को मीटर में भी तो लिख सकते हो। इसी लेंथ को ये देखो, लेंथ मेरे पास 3 सेंटीमीटर ही है, 3 सेंटीमीटर, लेकिन जरूरी नहीं है मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं, इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। ये देखो कैसे, 0.03 मीटर, ये भी तो लिखा जा सकता है,
तीन सेंटीमीटर लंबाई को 0.03 मीटर भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा अगर कोई कोई क्वांटिटी फिक्स है, अगर आपने Q का मान फिक्स रखा तो आप यूनिट जितनी बड़ी कर दोगे, यूनिट जितनी बड़ी करते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। ये देखो सेंटीमीटर एक छोटी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर इतना सा होता है, सेंटीमीटर एक छोटी क्वांटिटी है, मीटर एक बड़ी क्वांटिटी है। तो सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी, और मीटर में मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, और अगर आप किलोमीटर में मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। किलोमीटर में मेजर करते टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ये देखो इतना। तो जितनी यूनिट बड़ी होती जाएगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास छोटी होती चली जाएगी। ऐसा कब है? जब वो वैल्यू फिक्स है, जैसे आपके पास जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो जितनी बड़ी यूनिट होगी उतने न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि मेजरमेंट क्या होती है। अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है। अब देखिए कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उन फिजिकल क्वांटिटीज को मापने का अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीका हुआ करता था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लंबाई है, लेंथ। इंडिया में हम लंबाई कैसे मापते हैं? इंडिया में लंबाई मापने के कई तरीके हैं, जैसे हम फीट को यूज करते हैं, फुट, फुट में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, इसके अलावा हम गज में भी मापते हैं, गज। तो लंबाई को मापने के कई तरीके हैं, मीटर में भी मापते हैं, तो कई तरीके अपने पास हो गए लंबाई को मापने के। इसी प्रकार हम टाइम को मापने के लिए भी हमारे पास कई तरीके हैं, सेकंड में भी टाइम को मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, घंटों में भी मापते हैं, दिनों में भी मापते हैं, सालों में भी मापते हैं, सदियों में भी मापते हैं। तो कई अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन में मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे। फिर ऐसे अगर सब देशों के अगर अलग अलग तरीके होंगे तो एक दूसरे, एक देश से दूसरे देश में जब कम्युनिकेशन करनी होगी, जब मान लो मुझे किसी दूसरे देश से कोई चीज मंगानी है, जैसे मान लो हमें कोई अमेरिका से कोई चीज मंगानी है, हमने अमेरिका को कह दिया कि 5 गज हमें कोई चीज चाहिए, 5 गज हमें कोई लंबाई की कोई रोड चाहिए। अब उनको वहां पे गज समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो गज यूज ही नहीं करते। ऐसे ही चाइना वाले कोई अपने तरीके का कोई स्टैंडर्ड यूज करते होंगे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता था, तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी। एक देश दूसरे देश से कोई चीज मंगाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी कंट्रीज हैं सब कंट्रीज में एक कॉमन स्टैंडर्ड को एडॉप्ट कर लिया गया। कॉमन मतलब उन सब ने एक चीज आपस में धार ली कि हम लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। सब इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो गया, ये सब कंट्रीज ने मिलके ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम लेंथ को किस में मापेंगे, लेंथ इज मेजर इन मीटर्स, मीटर में मेजर करेंगे। मास को किस में मेजर करेंगे, मास जो वजन होता है उसको किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है ना बॉडी का तापमान होता है, टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे, केल्विन। आपने देखा होगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फारेनहाइट भी यूज करते हैं, डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, थर्मोमीटर वो फारेनहाइट में होता है। फारेनहाइट हम ये लिखते हैं 100 डिग्री फारेनहाइट, 99 फारेनहाइट, तो वो अलग अलग यूनिट है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्ट हो गया, इंटरनेशनल यूनिट जो है स्टैंड जो टेम्परेचर मेजरमेंट की, वो है केल्विन। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, ये जो तारों में करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, तो उनकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने की, वो यूनिट अपने पास है एम्पियर। एम्पियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के बारे में रिसर्च की थी, तो उनके नेम पर ही करंट की मेजरमेंट की यूनिट बनाई गई। ऐसे ही एक है क्वांटिटी ऑफ मैटर, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये नाम आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसकी जो यूनिट है वो है मोल, मोल में उसमें मेजर किया जाता है, उसका सिंबल है MOL। ऐसे ही एक यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है। ल्यूमिनस का होता है चमक, जैसे कोई बल्ब होता है ना, तो बल्ब की कितनी चमक है,
और उसकी रोशनी कितनी है। तो रोशनी को मापने की एक फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मापने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी यूनिट मानी गई है, वो है कैंडेला, कैंडेला, और उसका जो सिंबल है वो है सीडी। ये ब्रैकेट में मैंने इनके सिंबल्स लिखे हैं सिंबल, और ये इनके पूरे नाम है, इनके पूरे नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेवल पर लेंथ को मेजर किससे किया जाए। तो एक बार आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अलावा भी हमारे पास कुछ मेजरमेंट के सिस्टम्स और भी हैं, और भी अलग जो हम फिजिक्स में यूज करते भी हैं। तो उनमें से कुछ स्पेशल मैंने लिखे हैं। देखिए सम अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम तो यूज होता ही है, एसआई सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तो यूज होता ही है, हम फिजिक्स में यूज करेंगे, केमिस्ट्री में यूज करेंगे, सभी में करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सिस्टम्स हैं जिनमें तीन मैंने इंपोर्टेंट जो है वो लिखे हैं। पहला है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, लेंथ मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड, इनका पहला पहला लेटर देखो, मीटर का एम के एस, एम के एस। ऐसे ही अगला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का भी पहला पहला लेटर देखो सी, सी का मतलब लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, दूसरा जी, जी ग्राम, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इससे अपने को इनका पहले पहला लेटर देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में भी ऐसा ही है, इनके पहले पहले लेटर से देखिए, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। एफपीएस सिस्टम जनरली अमेरिकन कंट्रीज के अंदर यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है ये एफपीएस सिस्टम, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे लंबाई को हम लिखते हैं ना 5 फीट, 10 फीट, 50 फीट, ये लंबाई, तो ये यूज होती है एफपीएस सिस्टम, ये एफपीएस सिस्टम है। और मास को मेजर होता है पाउंड्स के अंदर, आपने देखा होगा कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें वजन, कई जैसे क्रिकेट की बॉल होती है उसमें पाउंड, औंस, तो ये जो यूनिट है ये मास की यूनिट है, और टाइम यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड के अंदर। तो ये कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट अपने पास हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए एक टर्म है अपने पास नई, फिजिकल क्वांटिटी, ये एक नई टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, नेम से देखो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मतलब जो फिजिक्स में यूज होने वाली है, क्वांटिटीज मतलब जो भी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। तो ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल लॉज आर डिस्क्राइब्ड, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जिन जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जैसे लंबाई की जरूरत पड़ी, एरिया की, स्पीड की, वेलोसिटी की, फोर्स की, मोमेंटम की, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती गई ना उन, और उनको मापा जा सकता था, ये जरूरी कंडीशन है। हर वो क्वांटिटी जिनकी जरूरत है फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए और जिन्हें मेजर किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। तो बच्चों इसकी दो जरूरी कंडीशन है, एक तो ऐसी क्वांटिटी जो लॉज को एक्सप्लेन करने के काम आई, और दूसरी बात जिन्हें मापा जा सके, मेजर किया जा सके, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं। ठीक है, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक तो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड। तो पहले फंडामेंटल वाली देखिए, इसमें दो टाइप की है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले फंडामेंटल वाली देखिए, फंडामेंटल मतलब जो बेसिक है,
बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। बेसिक नाम से क्लियर है। देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थी ना, उनको सभी साइंटिस्ट ने, ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने क्या किया कि इतनी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करना, सबके बारे में डिटेल देने से बढ़िया क्या है, हम ऐसी कुछ ऐसी है जो फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढे जिनको हम बेस मान सकते हैं। मतलब जैसे एरिया है, आप एरिया देखो, एरिया क्या होता है, वैसे तो ये होता है कि कितना टू डायमेंशनल उसने स्पेस अक्वायर किया है, उसको हम एरिया कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एरिया को लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा जा सकता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो एरिया को लेंथ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, लेंथ के रूप में, मतलब एक लेंथ इधर वाली लेंथ को इधर वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, ऐसा। तो एरिया को दो लेंथ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। वैसे ही देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम क्या चीज है कि किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस कितना एक्वायर किया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे तीन चीजें लेते हैं। तो तीन चीजें लेने है तो तीनों लेंथ ही ना। देखो वॉल्यूम क्या चीज है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। किसी क्यूब का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो जैसे ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, इन तीनों को, तो है तो ये तीनों ही लेंथ, ब्रेड्थ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है, हाइट भी तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है। तो हमने वॉल्यूम को लेंथ इनटू लेंथ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर करके हम एरिया ला सकते हैं, लेंथ लेंथ इनटू लेंथ करके हम वॉल्यूम ला सकते हैं। तो वॉल्यूम तो एक डिराइव्ड होगी ना, उसको तो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे ऑब्टेन करें, लेंथ को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो वॉल्यूम इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड लेंथ इज ए फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे केवल लेंथ ही नहीं है, सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सेप्टेड एज बेसिक आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बेसिक मान लिया गया, जिनको मतलब बेस लेवल पर मान लिया गया कि ये बिल्कुल सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है, उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं। उनको हम मल्टीप्लाई कर करके, उनको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा, लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, तो स्पीड आएगा। लेंथ को दो बार टाइम से डिवाइड करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे ही अपने पास वॉल्यूम कब आएगा, जब हम लेंथ को तीन बार मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ 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 को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो भी चीजें इन सात के कॉम्बिनेशन से बनेंगी वो कहलाएंगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और ये जो सात हैं ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार जल्दी देख लीजिए ये सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। मैंने पहले भी इनके नाम लिखे थे, दोबारा मैंने लिख दिए। ये जो सात फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो है मास, ये आपको याद रखनी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोबारा बोलता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोबारा देख लीजिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सात जो है, ये सात अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो एक बार जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद लिखूंगा डिराइव, और जो इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगी, जो भी इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे मास को हम अगर लेंथ से डिवाइड कर दें तो मास पर यूनिट लेंथ वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, और ये जो सात हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड वाले का एग्जांपल मैंने दिखाया, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास होंगी। तो इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, इन सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा दो और अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नेम से हम नहीं पढ़ते हैं। वो दो हैं एंगल मेजरमेंट करने के लिए।
दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं अपने पास, लेकिन उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते। ये अपने पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो वो देख लीजिए। वो दो कौन सी हैं? एक है एंगल, एंगल मेजर करने के लिए रेडियन, एंगल मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी एंगल, एंगल मेजर करने के लिए। अब एंगल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो वो देखिए प्लेन एंगल क्या है। जैसे मान लो ये कोई आर्क है आपके पास, आर्क ये है कोई आर्क, और ये आर्क का जो सेंटर है वो ये है, ये है इसका सेंटर। तो इस आर्क ने अपने सेंटर पर ये जो एंगल बनाया है ये है एंगल थीटा, ये एंगल। तो ये जो एंगल है और इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, और आर्क की लंबाई एल है, ये रेडियस आर और आर्क की लंबाई एल। तो एंगल क्या बन जाता है? प्लेन एंगल, एंगल इज इक्वल टू, एंगल कह लो या प्लेन एंगल कह लो, ये प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने पढ़ रखा होगा आपके जूनियर क्लासेस में, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को एल से, रेडियस को आर से। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट इसको मापते किसमें है, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है रेडियन, रेडियन। तो एंगल को किसे मापते हैं? रेडियन। आपने तो सुना होगा एंगल को डिग्री में मापते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, आपने ये सुना होगा। लेकिन इसकी ये तो डिग्री है, इसकी एसआई यूनिट नहीं है। एंगल को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है रेडियन, रेडियन। अब देखो रेडियन, वन रेडियन किसके इक्वल होता है? वन रेडियन, सपोज कीजिए वन रेडियन एंगल किसके इक्वल होता है? वन मीटर लेंथ की आर्क है, वन मीटर लेंथ की आर्क है और वन मीटर ही रेडियस है। मतलब ये लेंथ जो है ना, आर्क, आर्क की लंबाई ये वन मीटर है और जो रेडियस है वो भी वन मीटर है। तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को वन मीटर, वन रेडियन का एंगल हम कहेंगे, इक्वल टू वन रेडियन। रेडियन का सिंबल ऐसे है, जैसे वन रेडियन लिखना है तो छोटा सा सी लगा दो, ये सी लगा दिया वन के आगे। जैसे टू रेडियन लिखना है तो टू के ऊपर छोटा सा सी लगा दो, ये उसका सिंबल अपने पास होता है। तो ये हो गया एंगल को मेजर करने की ऐसा यूनिट अपने पास क्या है? रेडियन। और वन रेडियन क्या होता है? अगर कोई आर्क है जिसकी लेंथ है वन मीटर और उसकी रेडियस है वन मीटर, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे वन रेडियन। ये देख लीजिए, आप नोट कर लो इसको, नोट करना चाहते हो तो। ये हो गया प्लेन एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, इसकी ऐसा यूनिट रेडियन, वन रेडियन इज इक्वल टू वन मीटर आर्क अपॉन वन मीटर रेडियस, वन रेडियन। अब रेडियन जो होता है वो डिग्री में भी लिखा जा सकता है। ये देखो कितना, वन रेडियन जो होता है वो होता है आपके पास 180 अपॉन पाई डिग्री, डिग्री 180 डिग्री अपॉन पाई, वन रेडियन इसके इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई यहां पर पाई की वैल्यू है 22/7, यहां पर पाई का मतलब है 22/7। तो वन रेडियन इक्वल टू ये होता है आपके पास, ये ध्यान रहे। ओके, तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वन डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180, वन डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। यहां पे पाई अगेन 22/7 है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला लगेगा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाला 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये हो गया अपने पास एंगल के बारे में। एक और है, ये तो था प्लेन एंगल, अब एक और एंगल होता है वो है सॉलिड एंगल, तो उसके बारे में अभी बताने वाला हूं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैं दूसरा बताता हूं, वो है सॉलिड एंगल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए सॉलिड एंगल, मान लीजिए कि कोई एरिया है आपके पास, एरिया, उस एरिया ने अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया ने अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है,
तो वो जो एंगल होगा वो एंगल, ये एंगल, ये सॉलिड एंगल होगा, ये एरिया जो, ये एरिया है, एरिया, ये एरिया है मान लीजिए एस, और ये इसकी रेडियस है, रेडियस मान लीजिए आर, और ये इसने एंगल बनाया है। तो कोई एरिया अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। यहां पे रेडियस नहीं है, इस बार फॉर्मूला है रेडियस का स्क्वायर। तो अगर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिंबल से, ओम, इस सिंबल से, ये सिंबल आपके पास सॉलिड एंगल का ओम। तो सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू एरिया एस अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। और इसकी यूनिट क्या है सॉलिड एंगल की, ऐसा यूनिट वो है स्टीरेडियन, 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 ये इसकी यूनिट है स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल को मेजर करने की यूनिट है स्टीरेडियन, ये है आपके पास, ये है। तो देखो अभी आप निकाल भी सकते हो, वन स्टीरेडियन किसके इक्वल आएगा, वन स्टीरेडियन इज इक्वल टू, अगर एरिया हो वन मीटर स्क्वायर का, वन मीटर स्क्वायर का एरिया है और रेडियस भी वन मीटर ही है, तो वन मीटर ही रेडियस है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो वन स्टीरेडियन का एंगल बनेगा। तो ये था सॉलिड एंगल। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम यहां तक स्टडी करेंगे। हमने क्या पढ़ा अब तक कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट में जो रिजल्ट आता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मेजरमेंट के बाद जो क्वांटिटी आई उसको इस रूप में लिखते हैं क्यू इक्वल्स एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू यूनिट, इस रूप में उसे एक्सप्रेस करते हैं। और अगर क्यू कॉन्स्टेंट रहे, अगर क्यू कॉन्स्टेंट रहे मतलब एक ही लेंथ को मेजर करना है, तो जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आपके पास आती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई सिस्टम। तो जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको किस रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको मापते हैं, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को किलोग्राम में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। फिर हमने कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट देखे जैसे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, उनमें कैसे लेंथ मास और टाइम को कैसे मापते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक होती हैं, बेसिक बिल्कुल सिंपल, उनको फंडामेंटल कहते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से तैयार होती है उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर हमने दो स्पेशल यूनिट्स देखी, एक थी आपके पास प्लेन एंगल और एक थी आपके पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टीरेडियन। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहां तक ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ में भी दो टाइप की लेंथ मेजर करेंगे, स्मॉल लेंथ को कैसे मेजर किया जाए और लार्ज लेंथ को कैसे मेजर करें। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।